अब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा छोटी है। एक माइक्रो वर्ल्ड है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में, चींटियों के बारे में और बहुत छोटे छोटी प्रजातियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहे दोस्तों मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं अवर मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। तो फ्रेंड्स यार, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरी सारी अपडेट्स मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हम पहली बात करते हैं स्नेल के बारे में। यार, स्नेल एक इंसेक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इंसेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, स्नेल दो टाइप के होते हैं, एक लैंड में पाए जाने वाले और एक सी में पाए जाने वाले। लैंड वालों के पास लंग्स होते हैं और सी वालों के पास गिल्स होते हैं जो इन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा स्नेल अब तक का 15 इंच का पाया गया, जो 1 किलो का है, अफ्रीका में। फ्रेंड्स, इनके पास ना ब्रेन होता है ना बोन्स होती है। अगर हम इन्हें क्रश कर देंगे तो इन्हें कोई ज़्यादा फील पेन नहीं होगा। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, स्नेल की करीब 14,000 दांत होते हैं, 14,000 टीथ, लेकिन वो उन सारे टीथ को अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि 14,000 टीथ होते हैं स्नेल्स के पास। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं बीटल के बारे में, लेडी बग जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सुंदर एक जो इंसेक्ट कहा जाता है अब तक का। तो फ्रेंड्स, ये देखा जाए तो ये डार्क में और मॉइस्ट, मतलब अंधेरे में और गीलेपन में रहना पसंद करता है और ये ज़्यादातर हमें पेड़ में पाया जाता है। ऑल दो ये कोई ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक नहीं होता है ना, हमें कोई ज़्यादा हार्म करता है, लेकिन फिर भी इसके जो स्टिंग होती है, डंक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, लेडी बग एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर इंसेक्ट है और ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉइजनस लेडी बग पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं चींटियों के बारे में। चींटियों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है शुरुआत से। फ्रेंड्स, चींटियां देखा जाए तो दिन में 250 नैप्स लेते हैं। नैप्स मतलब वो करीब हर नैप में 1 मिनट सोते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसका कैलकुलेशन करें तो हम करीब वो एक दिन में 4 घंटे और 48 मिनट तक अपना जो सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये करीब 5 घंटे के बराबर हो गए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बराबर। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि चींटियां इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना, तो वो अपने से 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है, उसमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। फ्रेंड्स, अगर हम चींटियों की और बात करें तो अगर देख तो वो विनेगर, जो सिरका होता है, विनेगर और पानी, इसके मिक्सचर से काफ़ी ज़्यादा हार्म हो सकती है, इसके मिक्सचर से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो सकती है। दोस्तों, फ्रेंड्स, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में चींटियों की एक और बता दूँ कि चींटियां दोस्तों, उनके ब्रेन सेल जो होता है वो 25 लाख ब्रेन सेल होते हैं और हमारे पास 10,000 करोड़ ब्रेन सेल होते हैं। इसका मतलब अगर 40,000 चींटियों का ब्रेन मिलाया जाए ना, तो एक ह्यूमन के ब्रेन के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि एक चींटी एक ह्यूमन के बराबर ही ब्रेन कैरी कर सकती है अगर वो 40,000 करीब मिल जाए तो। दोस्तों, चींटियों की कंपाउंड आइज होती है, मतलब उनकी कोई एक आंखें नहीं होती, उनकी बहुत सारी आंखें होती है, तो वो एक ही चीज़ को हर एंगल से देख सकती है, बहुत सारे एंगल से देख सकती है, लेकिन वो उन्हें इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि उन पर एक सही अमाउंट में आइज नहीं होती, मतलब बहुत सारी अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, हम आगे कुछ बात करते हैं चींटियों के बारे के बाद लेस विंग्स के बारे में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे लेस विंग्स, जो हरे कलर के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से बग्स के बाद यही सबसे ज़्यादा सुंदर जो इंसेक्ट होते हैं। दोस्तों, ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये करीब 4 से लेकर 6 हफ्ते तक जिंदा रहते हैं, मतलब 4 to 6 वीक इनकी लाइफ होती है। और दोस्तों, ये एक लेडी जो लेस विंग होती है वो करीब 200 एग्स एक दिन में या एक बार में दे देती है। और ये दोस्तों करीब 1.5 सेंटीमीटर करीब इतने ही बड़े होते हैं, इतने ही लंबे होते हैं। और दोस्तों, इनके 4 विंग्स होते हैं करीब और वो सारे सेम साइज़ के होते हैं। दोस्तों, ये कोई हार्मफुल नहीं होते हैं ह्यूमंस के लिए, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन हाँ, और इंसेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरी वीडियो में। आपको मेरी माइक्रो वर्ल्ड की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू दोस्तों।